हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेड कटोरी चाट बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए फटाफट बनने वाली चाट है। हमें देखिए, इस तरह से ब्रेड लेनी है और चारों तरफ से इसके कोने काटने हैं और इसको बेलन से हमें बेलना है। तो ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने काट के रेडी करके रखा हुआ है और ये देखिए, इस तरह से बेलन से चारों तरफ से हमें बेलना है। और ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली चाट है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर डालिएगा। देखिए, इस तरह से मैंने ये ब्रेड बेल ली हैं और ये कुछ सामान मैंने इसमें डालने के लिए पहले से रेडी करके रखा है, जिसमें मैंने काबली चने लिए हैं, इमली की चटनी, धनिया की चटनी और साथ ही टमाटर, एक कटोरी प्याज, खीरा और दही, ये मैं इसमें डालने वाली हूँ, और साथ ही थोड़ा सा भुना जीरा और नमक स्वाद अनुसार। ये हमने बेक करने के लिए ट्रे लिया है। आपके पास बड़े साइज़ की ट्रे हो तो आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। मैं छः छः करके दो बना रही हूँ। 350 पे मैंने जो है इसको प्री हीट करने रख दिया है ओवन को। इस तरह से घुमाते हुए हम ब्रेड को अंदर फिक्स कर देंगे, इसके अंदर अच्छे से ऐसे लगा देंगे। पहले हमने ऑयलिंग किया है ग्रीस थोड़ा सा, और उसके बाद हम सारी ब्रेड को इस तरह से इसमें फिक्स कर रहे हैं। तो एक बार में आपके पास जितनी बड़ी ट्रे है, अगर 12 कप की ट्रे है, ये कप केक की जो आप बेकिंग करते हैं वो ट्रे है, 12 की है, तो आप 12 में भी बना सकते हैं। एक ही बार में आप कटोरियां बना के रेडी कर सकते हैं और बाद में उसमें हम चाट डालेंगे जो हम बनाएंगे अभी। तो इस तरह से ये मैंने सारी इसमें ऑयलिंग कर कर और इसे हमने रेडी कर दिया है। और ध्यान रखिए, 350 पर हम उसको प्री हीट करके रखेंगे पहले से। तो ये मेरा प्री हीट करके रेडी हो चुका है। देखिए, ये ब्रेड मेरी तैयार है। अब ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे ताकि बिल्कुल जो है अंदर से सिक जाए वो और क्रिस्पी बने। तो ये इस तरह से हमारी ब्रेड तैयार है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। आपको कोई पार्टी में हो आप उसमें बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये पहले से बनाकर रेडी करके रख सकते हैं। 350 पे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए आपको रेडी लगाना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अभी हमारा नहीं हुआ है, इसको और 2 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं जब तक हम ये मसाला तैयार कर रहे हैं। ये हम मैंने काबली चने लिए हैं, वाइट छोले जिसे कहते हैं। ये मैंने उबाल भिगोकर और उबाल कर सीटी लगा ली है। उसमें मैं ये प्याज मिला रही हूँ बिल्कुल बारीक कटी हुई, साथ ही टमाटर मिक्स कर रही हूँ और खीरा, आप चाहें तो हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, मैंने हरी मिर्च नहीं यूज़ किया है। और साथ ही इस तरह से नमक आधा चम्मच स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर मैंने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आगे इसमें हम थोड़ा सा चंकी चाट मसाला मैंने डाला है और साथ ही जो इमली की चटनी, इमली और गुड़ की चटनी मैंने बना के रखी थी, थोड़ी सी मैं फ्लेवर के लिए इसमें डाल रही हूँ। और धनिया और पुदीने की चटनी ये है, ये इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। आपके पास जो भी घर में सामान हो, जो भी घर में वेजिटेबल्स हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं सैलड बनाने के लिए। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी, और मेरी कटोरियाँ बनकर तैयार हैं 10 मिनट में। आपके यहाँ पार्टी हो, आप पहले से बनाकर रेडी करके कटोरियाँ रख सकते हैं और इंस्टेंट उसी टाइम पर आप इसमें जो हमने फिलिंग बनाई है वो भर सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम ये फिलिंग डालेंगे। ये हमारी कटोरियाँ तो ऑलरेडी तैयार हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसमें हम जो हम चने, आप इसमें चाहें तो आप काले चने भी यूज़ कर सकते हैं छोले के साथ, वाइट सफ़ेद छोलों के साथ। और इस तरह से फिलिंग हमने तैयार किया। ऊपर से हम थोड़ी सी इमली की चटनी अब और डाल रहे हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसको तभी भरिएगा जब आपको खाना हो उससे 5-10 मिनट पहले, क्योंकि ये ब्रेड से बना हुआ है। तो ये ब्रेड जो है थोड़ा सा, फिर अभी ये बहुत क्रिस्पी है, थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा अगर बहुत देर पहले आप इसको बना के रेडी करके रख देंगे, क्योंकि जो मैदे से बनाते हैं उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, बट वो क्रिस्पी तो रहती हैं काफ़ी देर, लेकिन उसमें टाइम मेहनत दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से चटनियों से हम इसको गार्निश कर रहे हैं और ऊपर मैंने भुना जीरा डाल दिया है दही डालने के बाद। चाहे तो इसके ऊपर आप नमकीन सेब भी डाल सकते हैं। तो ये बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।